वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक वीडियो के अंदर। मेरा नाम है गौरव। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं iPhone 14 सीरीज के बारे में कि ये जो सीरीज इंडिया के अंदर कब तक लॉन्च हो सकती है, क्या कुछ इसके अंदर स्पेसिफिकेशन आ सकते हैं और iPhone 13 जो था उससे किस तरह से अलग हो सकती है, उन सभी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आप iPhone की 14 सीरीज के अंदर इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कोरोना भाई, तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों आपको कुछ यहाँ पे चेंजेस बताने वाला हूँ जो iPhone 14 के अंदर आपको देखने को मिलेंगे iPhone 13 से। इसका स्पेसिफिकेशंस की तरह भी ले सकते हो, लेकिन एक चीज दोस्तों आपको यहाँ पे याद रखनी है कि इसमें से कुछ भी जो है ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया, सारे जो है लीक्स और र्यूमर्स हैं, तो आपको भी इनको दोस्तों र्यूमर्स की तरह लेना है। बाकी चलिए दोस्तों शुरू करते हैं नंबर वन से। तो यहाँ पे नंबर वन पे दोस्तों लगभग ये जो चीज है कंफर्म हो चुकी है कि इस बार जो iPhone का लाइनअप है वो बिल्कुल चेंज रहने वाला है। लाइनअप से दोस्तों मेरा मतलब है कि जैसे कि आपने देखा होगा पहले आपको जो स्मार्टफोन iPhone के कुछ इस तरह से देखने को मिलते थे, जैसे कि iPhone 13, 13 मिनी, 13 प्रो, प्रो मैक्स, लेकिन इस बार जो है जो मिनी स्मार्टफोन है उसको यहाँ पे कंप्लीटली निकाल दिया गया है। मिनी की जगह दोस्तों आपको यहाँ पे जो है आईफोन मैक्स देखने को मिलेगा, आईफोन 14 मैक्स के नाम से यहाँ पे जो है ये आ सकता है। इसके अंदर दोस्तों जो डिस्प्ले का साइज है वो यहाँ पे बढ़ा दिया जाएगा, यहाँ पे 6.7 इंचेस की जो डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी और ये जो डिस्प्ले आपको दोस्तों सेम वही देखने को मिलेगी जो आपको आईफोन 14 प्रो मैक्स के अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों काफी सारे लीक्स का यहाँ पे ये कहना है कि अगर आईफोन यहाँ पे 6.7 इंचेस की डिस्प्ले प्रोवाइड करता है तो बाकी जो स्पेसिफिकेशंस होंगी उनके साथ यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा, जैसे कि इसके अंदर आपको जब पिछले साल वाला सेम A15 बायोनिक चिप भी देखने को मिल सकती है। तो अब दोस्तों अगर मैं बात करूं नंबर 2 यहां पे चेंजेस की, तो ये जो दोस्तों iPhone 14 के प्रो वेरिएंट से रिलेटेड है। यहां पे दोस्तों काफी सारे जो लीक्स है ये निकल के आ रही है और इनके मुताबिक अगर माना जाए तो iPhone 14 के जो प्रो वेरिएंट है, प्रो और प्रो मैक्स, इनके अंदर आपको A16 बायोनिक चिप देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों इसकी जो फैब्रिकेशन प्रोसेस है ये आपको सेम पिछले साल वाले A15 बायोनिक चिप जैसी देखने को मिलेगी, यानी कि दोस्तों A16 जो है आपको 4 नैनोमीटर की बजाय 5 नैनोमीटर के ऊपर ही देखने को मिल सकता है। और ऐसा दोस्तों अगर होता है तो काफी बुरा रहने वाला है, अफोर्ड नहीं कर सकते तो क्या हुआ यार, बुरा तो लगता ही है। बात तो सही है। और इसी लीक के अंदर दोस्तों ये भी माना गया है कि भले ही आपको जो फैब्रिकेशन प्रोसेस है वो आपको पुरानी देखने को मिले, लेकिन जो A16 बायोनिक चिप है उसके कारण जो परफॉर्मेंस आपको 30% तक इंक्रीज देखने को मिलेगी और जो रैम है वो भी आपको LPDDR5 पर अपग्रेड देखने को मिल जाएगी। तो इसके बाद दोस्तों अब थर्ड नंबर में आपको बताता हूं इसके डिजाइन के अंदर आपको क्या कुछ चेंजेस यहां पे देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों इसके टेम्पर्ड ग्लास वगैरह के यहां पे जो पिक्चर्स है वो पहले लीक हुई थी वो आप यहां पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका जो डिजाइन है वो कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं iPhone 14 के बारे में। यहां पे दोस्तों ये कहा जा रहा है कि iPhone 14 जो है वो iPhone 12 और iPhone 4 जो है उसका कॉम्बिनेशन टाइप रहने वाला है, यानी कि जो डिजाइन आपको फ्लैट एजेस वगैरह ये लेटेस्ट iPhone की तरह देखने को मिलेगी, लेकिन जो इसके बटन्स वगैरह हैं वो आपको गोल गोल देखने को मिलेंगे जैसे कि हमें iPhone 4 के अंदर देखने को मिलते थे। तो ये जो दोस्तों देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। इसके बाद दोस्तों इस बार भी जो iPhone का बैक पैनल है ग्लास का रहने वाला है, लेकिन उसके अलावा अगर इसकी साइड्स की बात करें तो यहां पे कहा जा रहा है कि इस बार ये जो है टाइटेनियम से बनी रहेंगी। iPhone 14 के बाद दोस्तों अगर बात करें iPhone के 14 प्रो और प्रो मैक्स वेरिएंट्स के बारे में, तो यहां पे कहा जा रहा है कि इस बार जो नोच है उसको कंप्लीटली रिमूव कर दिया जाएगा, उसके बजाय आपको जो डिजाइन है कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा जो कि पहले से काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। और ये जो दोस्तों अभी कॉमन लीक है, हर जब आपको ये जो खबर है देखने को मिल जाएगी iPhone 14 सीरीज है उसके अंदर नोच नहीं रहने वाली। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगर इसके मैक्स वेरिएंट की, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मिनी की जगह इस बार जो है मैक्स वेरिएंट ने ले ली है, तो यहां पे आपको चेंजेस कुछ भी देखने को नहीं मिलेंगे, आपको जो है स्क्रीन साइज जो है बड़ा देखने को मिलेगा, यानी कि 6.7 इंचेस की डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगी जो कि पहले 5.4 इंचेस की थी। इस सब के अलावा दोस्तों अगर बात करें इसके कैमरास के बारे में, तो इन सब के अंदर कहा जा रहा है कि इस बार जो कैमरा बंप है वो ज्यादा देखने को मिल सकता है और जो कैमरा का सेटअप है उसके अंदर भी आपको यहाँ पे एक मेजर अपग्रेड मिल सकता है। 48 मेगापिक्सल के जो कैमराज है यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं प्रो वेरिएंट्स के अंदर और 20x ऑप्टिकल जूम जैसे फीचर्स भी दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। फोर नंबर स्पेसिफिकेशन या फिर चेंज की दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो है इसके डिस्प्ले से रिलेटेड। तो iPhone 14 और 14 प्रो के अंदर आपको जो है 6.1 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल सकती है और मैक्स और प्रो मैक्स के अंदर आपको जो है 6.7 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों एक जो मेजर अपग्रेड आपको डिस्प्ले के अंदर देखने को मिल सकता है वो है इसके रिफ्रेश रेट से रिलेटेड। यहाँ पे आपको 120Hz का जो रिफ्रेश रेट है वो देखने को मिल सकता है, उसके अलावा LTPO पैनल जो है उसका भी यहाँ पे यूज हो सकता है। 5 नंबर पे दोस्तों हम बात करते हैं इसके टच आईडी के बारे में, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि नहीं मिलती। तो हर बार दोस्तों जब भी एक नया आईफोन आता है तो लोग काफी एक्साइटेड रहते हैं इसके बारे में कि हमें इस बार जो टच आईडी है वो देखने को मिलेगी नहीं मिलती, और इसके रिलेटेड लीक्स भी जो है निकलते रहते हैं कि इस बार जो आईफोन आने वाला है उसके अंदर देखने को मिलेगी। तो इस बार भी लीक्स जो है काफी सारे निकले हैं यहाँ पे, लेकिन इसके जो चांसेस है दोस्तों काफी ज्यादा कम है या फिर आप कह सकते हो कि ना के बराबर है। तो टच आईडी वाला दोस्तों बात करते हैं नंबर 6 की, लेकिन इससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है, करना है नहीं करना? कर दूंगा तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो अगर आप भी दोस्तों इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ये जो वीडियो अभी तक पसंद आ रही है तो इसे आप लाइक कर सकते हैं, इससे हमें कमाल का पैसा मोटिवेशन मिलता है। ये फंस गया सी है।
तो 6 नंबर पे दोस्तों आपको जो चेंज देखने को मिल सकता है वो है टाइप सी से रिलेटेड। तो पिछले 2-3 साल से दोस्तों जब भी कोई नया आईफोन लॉन्च होता है तो ये जो लीक है हमें देखने को मिल ही जाता है। और इस बार भी दोस्तों ये जो लीक है यहाँ पे निकल के आ रहा है कि आईफोन 14 जो सीरीज है इसके अंदर आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिल सकता है लाइटनिंग पोर्ट की जगह, जो कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ऐसा होने वाला है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें इसके नंबर 7 अपडेट की, तो यहाँ पे दोस्तों आईफोन 14 सीरीज के सारे स्मार्टफोन्स के अंदर आपको जो iOS है उसका 16 वर्जन देखने को मिलेगा। तो ये तो दोस्तों बात होगी इसके स्पेसिफिकेशंस की और चेंजेस की जो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं आईफोन 13 के मुकाबले आईफोन 14 के अंदर। और अब दोस्तों अगर हम बात करें इसके लॉन्च डेट के बारे में कि इंडिया के अंदर या फिर ग्लोबली लॉन्च कब तक हो सकता है, तो यहाँ पे जैसा कि दोस्तों आपको बताया कि ऑफिशियली कोई भी खबर यहाँ पे निकल के नहीं आई है। और इंटरनेट के ऊपर दोस्तों वेबसाइट के ऊपर विजिट करके अगर आप इसके लॉन्च डेट के बारे में देखना चाहोगे तो यहाँ पे सभी के ऊपर आपको अलग अलग डेट दिखेगी। लेकिन दोस्तों सितंबर 2022 के अंदर ये जो आपको मोबाइल देखने को मिल सकते हैं, ये पक्का तो आप इसको नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी यहाँ पे चांसेस है थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है। तो बस दोस्तों ये था आज के इस वीडियो के अंदर। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी रही होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।